वेलकम बैक ख्वातीन हज़रा। गर्मियों का सीज़न आते ही बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा हो जाता है। आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है एक मीटर रीडर और सारिफ को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, ठीक ठाक हैं आप? खरीद है जी। ठीक ठाक क्या होना है जनाब, आप इतने लंबे बिल भेज देते हैं बंदे के होश उड़ जाते हैं। नहीं जी, जितना बिल होता है उतना ही भेजते हैं, लंबा क्या, हमने थान से उतार के भेजना है। अच्छा माशाल्लाह, यहाँ आप हसस के बात कर रहे हैं, दफ्तर जाओ बिल ठीक करवाने या किस्त करवाने के लिए, उस टाइम आपने मुंह बनाया होता है। आप सिर्फ मेरा हासा देखने आते हैं या बिल ठीक कराने आते हैं? देखें हजूर, ये जो बिजली का सिस्टम है ना जी, ये इसके मुतालिक ही तो कहा गया है कि कोकला छिपा की जुमेरात आई जे, जेड़ा आगे पीछे वेखे ओदी शामत आई। भाई आपकी तरफ से हम गरीबों की शामत आई हुई है। पाजी बड़ा नेर है, बड़ा जुलम है, देखे तनख्वाहदार बंदा क्या करे। नहीं तो इसमें बापटा का क्या कसूर है जी, आप तनख्वाहदार हैं तो बापटा कोई कसूर है पाजी? पिछले साल का बिल देखे 200 यूनिट का और था, इस साल 200 यूनिट का रेट कोई और है जनाब। देखिए पहली बात तो ये है कि 1 यूनिट तो आपका मुंह है। आपको 200 यूनिट क्यों आए हैं? दूसरी बात ये है, देखें फरीद साहब, जब ये बिजली का बिल बढ़ता है या कीमत बढ़ती है बिजली की, तो उसमें मीटर रीडर का तो कोई कसूर नहीं होता ना जी। क्यों नहीं होता? ओ एक मिनट काका जी, एक मिनट। देखो मीटर रीडर ने को पीछे मंडी से बिजली ला के आगे नहीं बेचनी, गवर्नमेंट की बिजली है वो आ रही है तारों से, मीटर रीडर सिर्फ आता है कड़ाच फोटो खेची जो है जाके दे दिया, उन्होंने जो बिल बनाया ले आके पकड़ा दिया। मेरा तो काम ही लेन देन का है जनाब, लेन देन का। नहीं, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, देखें इसी हवाले से मैं कहता हूँ लेन और देन। जी जी ओ जनाब, ओहो बड़े भाई ने ये बिल वाला ना, आप इनसे ये पूछे कि जब जमा कराने की डेट होती है तो एक दिन पहले भेजते हैं बिल, माड़ा बंदा कहां से हजारों रुपए जमा करे बहू जी। ओ यार तुम खुद मुझे बता रहे हो, मैं सौरे गया हुआ था, मैं इसलिए नहीं जमा करा सका। क्यों नहीं जमा करा सका पाजी? पिछली यारी 15,000 रुपया बिल से कट था, मैंने अपना मोटरसाइकिल बेच के बिल जमा कराया। मोटरसाइकिल क्यों बेच दिया? और क्या करता पाजी, महीने की आखिरी तारीख थी, सारे पैसे तो सौदा सलफ लाने में खत्म हो जाते हैं, और बिल जमा कराने के लिए मजबूरन हमें स्कूटर बेचना पड़ा पाजी। अगर वो भी ना जमा कराते तो मेरे बच्चे अंधेरे में बैठे होने थे। और अगर जमा ना कराते तो ये लाइन काटने के लिए, बिजली काटने के लिए फौरन आ जाता। बिल्कुल, बात ये है, अगर इसको तनहा इसकी खत्म हो गई थी, ये अपने ससुराल से उधार ले लेता, पहली तरीक तनहा मिलती उनको वापस कर देता। ससुराल से उधार क्यों ले लेता? ओ जी मेरा मतलब है कि जो रिश्तेदार बहन भरा होते हैं वो मुश्किल वक्त में ही काम आते हैं, अगर वो जुआई को इतना भी नहीं सपोर्ट कर सकते तो फिर सीधी बात है, शायर तो इधर कह देता है किकनी कलीन दी पग मेरे वीर दी, दुपट्टा मेरे भाई दा, फिटे मुझवाई। मदद तो मैं अपने ससुराल से लूंगा, सालों को बुला के आपके ये दंद अंदर करवाऊंगा। ये अपना काम अगर वक्त पे कर लेना, अगर ये अपनी मीटर रीडिंग वक्त पर कर ले जी, ये अगर अपने यूनिट जो मीटर रीड करता है जी, वो अपने इदारे को वापडा को सही टाइम पे भेज दे, तो ये बिल आने में इतना डिले ना हो। तवार वाले दिन छुट्टी होती है पाजी, कई दफा ये तवार वाले दिन हमारे घर बिल दे के गए हैं। देखो बात की है जनाब, मैं अल्लाह के फजल से टाइम पे सारे बिल बचाता हूँ। इनको जब मैंने बिल बचाया ना जी, दो दफा इनके घर गया हूँ। अच्छा, पहली गलती में इन्होंने बूहे थले पानी खलोता हूँ। अगर मैं बिल दरवाजे के नीचे से अंदर करता तो बिल तो तार गया हुआ था, ठीक है। इसको दोबारा नया बनवाना पड़ना था। 6 बारी मैं बुआ खड़काया, इन्होंने घरों कोई नहीं निकलिया। मेरा मतलब है हुण मैं बुआ तोड़ के बिल सुटता तो मैं उंज चोरी च फड़े आ जाता। ऊपर से आपका उलिया भी चोरों वाला है। अच्छा जी तलाल चौधरी साहब, आपकी लगी हुई है सरकारी तनख्वाह तो आपको आती है बातें, आपको बच्चों के लिए बिल जमा करने के लिए किसी के आगे थैली करनी पड़े, देखता हूँ इज्जत। रोई ना, तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी ना रोई, एक कथरू भी निकलिया तो तेरा मुंह दे डूब जाने। देखो 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 बात ये है भाई जी,
तभी भी अल्लाह के फजल से आपका भाई झूठ नहीं बोलता। सीधी बात करते हैं, सीधा बताते हैं कि भाई जी ऐ तुहाडा बिल है यार, अगर आप लोग बिल अदा नहीं कर सकते तो बिजली ना जलाएं। सारी दुनिया में ऐसे है कि जितना कोई अफोर्ड करता है उतनी बिजली जला लेता है। बाहर के मुल्कों में तो जनाब जिस तरह ये मोबाइल फोन में नहीं लोड करवाते, इसी तरह बिजली के मीटर में लोड करवा लेते हैं। आप 20 रुपये की बिजली लोड करवा ले, 20 रुपये की जला ले। यार इधर ये रटाई नहीं खत्म हो रहा कि नहीं जी मैं तो नहीं बिजली नहीं सी बाली, भाई साहब इन्होंने बिल ज्यादा भेज दिता है, नहीं जी साडे यूनिट महंगी हो गई। यार बिल ज्यादा आता है तो वो शिकायत करते हैं ना, और फिर मैनेज करते हो ना लोगों के साथ मिलके, जिनके ज्यादा बिल आते हैं मीटर रीडर उन लोगों के साथ मिलके मैनेज कर लेते हैं, उनके बिल ही नहीं आते। चार चार एसी चल रहे होते हैं और बिल कितना आता है? 1500। ये बात ये जो आप देखो, मैं जिंदगी च किसी नाल मैनेज नहीं जे करदा सिवाय तुहाडी भरजाई दे। उसको मैं मैनेज कर लेता हूँ, अगर मुझे कहे कि जाते हुए दफ्तर में जरा मुझे मेके उतार दो, उतार देता हूँ। वो चुके मुझे मैनेज कर लेती है। हाँ यही मैं कहना चाह रहा था कि उन्होंने आपको मैनेज किया हुआ, इसलिए आप मैनेज हो गए उनसे। और इनका बस चले तो ये आसमानी बिजली का बिल भी हम पे डाल दे। ये ज्यादती कर रहे हैं आप। हाँ मेरा बस चले तो बिल नहीं आसमानी बिजली जरूर आप पे डाल दे। अच्छा भाई जी तुम गन्ना तो नहीं चूप सकते, रोज पींदे हो गए गन्ना चूपते जे? अच्छा जी, बल्कि मैं तो गन्ना चूपा तो साफ नजर आंदा है।